नमस्कार दोस्तों, आज की फिल्म है लव ऑन अ पिलो। फिल्म की शुरुआत में जैनविक नाम की लड़की को दिखाया जाता है। वो बैग पैक कर रही होती है और उसकी स्टेप मॉम उसे समझा रही होती है, जिस पर उसका ध्यान बिल्कुल नहीं होता है। तभी बेल बजता है और जैनविक कहती है बैरी होगा, गेट खोल दो। जैनविक कहती है स्टेप मॉम से कि वे दोनों थोड़े दिन में शादी करने वाले हैं। उसकी मॉम कहती है तुम मुझे जाते वक्त बता रही हो, ऐसा कौन बताता है। फिर दोनों वहां से निकल जाते हैं। जैनविक और बैरी स्टेशन पहुंचते हैं। बैरी कहता है जैनविक मैं 2 दिन में वापस आऊंगा और उसे किस करके चला जाता है। जैनविक एक होटल में आती है, एक कमरा लेती है और गलती से दूसरे कमरे का गेट खोल देती है और देखती है जहाँ एक आदमी लेटा है जो कि अनकॉन्शियस है। जैनवी होटल मैनेजर को बुलाती है। वह उस आदमी को उठाने की कोशिश करता है पर वह आदमी नहीं उठता है। वो पुलिस को कॉल करता है और पुलिस वाले उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं। जैनविक से पूछताछ होती है। वह कहती है वो कुछ नहीं जानती। वह कहती है यहाँ मैं एक लायर से मिलने आई हूँ। जैनविक एक लायर से मिलती है और अपने खानदानी प्रॉपर्टी को बेचने की बात करती है। तभी लायर जैनविक को डिनर के लिए इन्वाइट करता है। तभी जैनविक को उस आदमी के बारे में याद आता है जिसका नाम रेन्यूड होता है। इसके बाद जैनविक रेन्यूड से मिलने हॉस्पिटल जाती है। रेन्यूड जैनविक को थैंक्स बोलता है और कहता है तुम एक एंजल हो मेरे लिए। जैनविक कहती मैंने अपना फर्ज निभाया था। कुछ देर बाद नर्स आती है और रेन्यूड को डिस्चार्ज कर देती है। दोनों हॉस्पिटल से निकल जाते हैं और होटल में खाना खाते हैं। फिर जैनविक रेन्यूड को अपने आंटी के घर ले जाती है जिस प्रॉपर्टी को वो बेचना चाहती है। फिर दोनों रोमांस करने लगते हैं। फिर जैनविक रेन्यूड को अपने घर लेकर आती है और उसकी भूख शांत नहीं हुई थी इसलिए वो ड्रिंक करते हैं और फिर से रोमांस करने लगते हैं। जैनविक अपने रियल बॉयफ्रेंड को घर न आने के बहुत बहाने बनाती है। फिर अगले सीन में दोनों कार में मिलते हैं और उसका बॉयफ्रेंड कहता है तुम बहुत बदल गई हो, तुम्हारी जिंदगी में जरूर कोई है। जैनविक कहती है हाँ और उसका बॉयफ्रेंड उसे समझाने की कोशिश करता है। जैनविक कहती है तुम जाओ मेरी जिंदगी से और वहाँ से चली जाती है। वापस आने पर रेन्यूड पूछता है क्या हुआ, तो जैनविक गुस्से से रिप्लाई करती है और रेन्यूड गुस्सा हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। फिर दोनों ड्रिंक के लिए जाते हैं। एक दिन उसकी स्टेप मॉम उसके घर आती है और पूछती है क्या चल रहा है, सब ठीक है ना। जैनविक कहती है हाँ और वह वहाँ से चली जाती है। तभी दिखाया जाता है प्रॉपर्टी को बेचने की बात चल रही होती है। कुछ लोग आते हैं प्रॉपर्टी का रीवैल्यूएशन करने और ड्रिंक करते हैं। इसी बीच जैनविक को किसी और के साथ रोमांटिक किस करते हुए रेन्यूड देख लेता है। उसे बड़ा हर्ट होता है। बाद में जैनविक बहुत अफसोस करती है और ये दोनों वॉक पर चले जाते हैं। एक दिन रेन्यूड पूछता है जैनविक से तुम्हें नहीं लगता कि कुछ ज्यादा हो गया है। जैनविक कहती है क्या लगता है ज्यादा हो गया है। रेन्यूड कहता है तुम्हें मेरे वर्क के बारे में नहीं पढ़ना चाहिए। दोनों के बीच नोकझोंक होती है और रेन्यूड वहां से चला जाता है। फिर दोनों एक होटल में मिलते हैं। रेन्यूड जैनविक को एक जगह ले जाता है जहां बहुत सारी काल गर्ल होती है और वह जैनविक के सामने काल गर्ल को इधर उधर टच करके बुरा फील कराता है और जैनविक गुस्से से वहां से चली जाती है। ऐसा वह इसलिए कर रहा था कि जैनविक उसे छोड़कर चली जाए। जैनविक फिर से अपने आंटी की प्रॉपर्टी को सेल करने में लग जाती है। फिर एक दिन रेन्यूड एक आदमी से मिलता है जो जैनविक की प्रॉपर्टी सेल करने में उसकी मदद कर रहा था, जो कि रेन्यूड का फ्रेंड होता है। रेन्यूड उससे कहता है जैनविक ने उसके साथ अच्छा नहीं किया है, मुझे बहुत हर्ट किया है, मैं चाहता हूँ कि वो खुश रहे, मैं उसे दुखी नहीं देखना चाहता हूँ। फिर उससे रहा नहीं जाता है और मिलने के लिए वह जैनविक के पास जाता है। फिर दोनों एक दूसरे से इमोशनली मिलते हैं और मूवी यहीं खत्म हो जाती है। अगर आपको फिल्म की स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।